बीमारी जो किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। कुछ बीमारी जेनेटिकल होती है, कुछ अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण या बैक्टीरिया, वायरस एवं पैरासाइट के कारण। ऐसी ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स। इसलिए आज हम इस वीडियो में मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के कारण एवं इससे जुड़े अन्य सवालों का जवाब जानेंगे। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स क्या है? मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स को मेडिकल टर्म में मेसेंटेरिक एडेनाइटिस भी कहा जाता है। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स में सूजन की समस्या है। मेसेंट्री एब्डोमिनल वॉल को होल्ड करने में सक्षम होता है। वहीं इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स की समस्या होती है। इन्फेक्शन प्रायः हल्के होते हैं और कई बार आप समझने में लेट कर देते हैं। इसलिए मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के लक्षणों को समझना जरूरी, जिससे इस पेट से जुड़ी बीमारी से बचने में मदद मिल सके। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के लक्षण: पेट के निचले हिस्से में दाहिने ओर दर्द होना, पेट दर्द होना, जी मिचलाने की समस्या होना, उल्टी होना, डायरिया की समस्या होना, अपने आप को बीमार महसूस करना। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स क्यों होता है? मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स सूजन का सबसे आम कारण वायरल संक्रमण होता है, जैसे गैस्ट्राइटिस, जिसे अक्सर पेट का फ्लू कहा जाता है। लिम्फ नोड्स आपके बीमारी से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपके शरीर में फैले होते हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक जीवों को नष्ट करते हैं। मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का इलाज कैसे होता है? ब्रह्मा होम्योपैथी एक साइंस बेस्ड रिसर्च क्लिनिक है, जहां मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का उपचार लक्षणों के प्रबंधन, दर्द को खत्म करने और रोग की प्रगति को रोकने तथा पूर्ण निदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए शुरुआती पहचान और समय पर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स का उपचार आवश्यक है। ब्रह्मा होम्योपैथी में सही डाइट प्लान के साथ सही मेडिसिन से सटीक इलाज किया जाता है। दुनिया भर से अनेकों लोगों ने ब्रह्मा होम्योपैथी से उपचार कराकर असाध्य रोगों से ठीक हो रहे हैं। बच्चों में मेसेंटेरिक लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की समस्या बहुत कॉमन होती है, जो हमारे बोवेल से उसके आसपास जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम को मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स कहते हैं। बार बार बच्चों की डाइजेस्टिव समस्या के वजह से यह लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। एनलार्ज मेसेंटेरिक लिम्फ नोड आप इस रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, 27 दिसंबर 2019, हार्द अग्रवाल। एंड इस बच्चे को कंटिन्यूस एब्डोमिनल पेन और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस था, जिसकी वजह से इसका यूएसजी कराया गया, जहाँ पे सबसेंट्रिक एंड एनलार्ज नॉन स्पेसिफिक मेसेंटेरिक लिम्फ नोड बताया गया है, जिसका लार्जेस्ट साइड 16x7 mm का था। इंटरबोवेल फ्लूइड और माइल्ड हेपेटोमेगैली है। बच्चे को होम्योपैथी पे जब स्टार्ट किया गया ट्रीटमेंट 27 दिसंबर 2019, और कुछ ही महीने, होपफुली आई थिंक 1 or 2 months, दोबारा से यूएसजी कराया गया, तो 23 जनवरी 2020 को, अगर आप इसका रिपोर्ट दें, यूएसजी एकदम नॉर्मल, लीवर का यूएस जो पूरा एरिया है, लिवर कम्प्लीटली नॉर्मल, पोर्ट एंड वेन अपेयर नॉर्मल, गॉल ब्लैडर नॉर्मल, पैनक्रियाज इज नॉर्मल, स्प्लीन, बोथ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल। सो जो मेसेंटेरिक लिम्फ नोड है वो कम्प्लीटली ऑल राइट हो गया। यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल यूएसजी है। सो इस तरह से जो मेसेंटेरिक लिम्फ नोड की समस्याएं होती है बच्चों में, और उसके वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पेट दर्द, इस तरह से ठीक हो सकती है। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं किस तरह से एक महीने में ही मेसेंटेरिक लिम्फ नोड से परेशान यह बच्चा किस तरह से ठीक हो गया है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। गुजरात में नंबर वन का क्लिनिक बनने जा रहा है, क्योंकि साहब का काम इतना बढ़िया है तो क्लिनिक तो बढ़िया होगा ही। ब्रह्म क्लिनिक के यहाँ के दवा से मुझे बहुत बहुत राहत मिलती है। होम्योपैथी में सबसे बेस्ट दवा खाना है, सबको ब्रह्म में आना चाहिए। व्हाट आई विश एंड व्हाट आई थिंक फॉर ब्रह्मा इज दैट इट इज वन ऑफ द पैराडाइज फॉर द सिक पीपल्स। बोलूंगा मैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ब्रह्म में जाइए और दवाई लीजिए। ब्रह्मा क्लिनिक होम्योपैथिक से मुझे 100% रिजल्ट मिलता है।